सो हेलो फ्रेंड्स, मोइंगा कॉलेज एडमिशन का आज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म निकलने वाला था तो निकल चुका है। और मैं इस वीडियो में लगातार स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म फिलअप प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मोइंगा कॉलेज एडमिशन सर्च करना है, उसके बाद पहला वेबसाइट में नहीं जाना है, इसके बाद इसका ये थर्ड वेबसाइट पे जाना है जिसका नाम है मोइंगा कॉलेज एडमिशंस .com, ठीक है। इस पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करने के बाद इस पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई नॉट डायरेक्टली दिख रहा है, अप्लाई नॉट पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन को रीड करके सारा ये कर देना, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट होता है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इससे क्या होगा कि चलो सबसे पहले फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम आपका जो है वो देना, जैसे सपोज करो श्याम प्रसाद, ये सुन राज, ठीक है। मिडिल नेम किसी का राजकुमार, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, डेट पहले सिलेक्ट कर लीजिए कौन सा डेट है, ठीक है। मंथ मार्च है, और आपका डेट जो है वो दीजिए, जेंडर मेल फीमेल जो है दीजिए, ब्लड ग्रुप कंपलसरी है तो जो है वो दीजिए, मीन्स की आप नॉर्मल भी जो कॉमन है वो भी दे सकते, कोई थोड़ा ना आपको ब्लड ग्रुप चेक करेगा, आप दे सकता है, किसी का नहीं है। आधार नंबर है तो दीजिए, नहीं तो नहीं है तो दीजिए, ठीक है। ठीक है, आधार नंबर कोई कंपलसरी यहाँ पे नहीं दिया। कैटेगरी जनरल है तो जनरल, एससी है तो एससी, एसटी, ओबीसी है तो ओबीसी, ठीक है। डोमिसाइल में आप वेस्ट बंगाल के हैं तो वेस्ट बंगाल दीजिए, मीन्स की कहाँ से रहने वाले, अगर अदर स्टेट के हैं तो अदर स्टेट के लिए, ठीक है। मास्टर स्टेटस, आप मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड हो तो, ठीक है। तो 99% आदमी अनमैरिड है। नेशनलिटी आपका ये तीनों में से कौन सा या फिर अदर है तो वो भी देना है, ठीक है। इंडियन है, बहुत जन इंडियन है तो इंडियन ही देना है, कॉमन सेंस। और रिलीजियन में आपको जो है आप रिलीजन वही देना है, ठीक है। अपना जात सेलेक्ट करना, अपना धर्म सेलेक्ट करना, ठीक है। हिंदुइज्म, व्हाट इज बीपीएल, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन का एक कार्ड होता है, आपके पास बना हुआ है तो ठीक है दे दीजिए, नहीं तो नहीं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आपका अगर कार्ड बना हुआ है, सर्टिफिकेट बना हुआ है तो यस दीजिए, नहीं तो नो दीजिए। होने से नहीं होता है, आपका कार्ड रहना चाहिए, सर्टिफिकेट रहना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो उसका फैसिलिटी उठाने के लिए, ठीक है। तो नो। फैमिली इनकम आपको डेफिनेटली आपको एनुअल पूछा है तो 2 लाख, 2 लाख तक दीजिए, ठीक है। ये हो गया 2 लाख, ठीक है, 2 लाख तक दीजिए। डिसेबिलिटी आप है तो है, नहीं तो नहीं, ठीक है। रिजल्ट डिक्लेयर बाय बोर्ड, ठीक है, पास या फेल हो, पास 10+2 का पूछ रहा है, सीबीएसई आईसीएसई है या फिर कोई और है तो वो सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सारा ऑप्शन है, या फिर अदर, अदर का भी ऑप्शन है, अदर का ऑप्शन पे क्लिक करके आप नाम लिख सकते हो, ठीक है, उस बोर्ड का, अगर नहीं है तो WBCHSE, ठीक है। 10+2 में कौन सा से पास हुए, कॉमर्स साइंस आर्ट्स, ठीक है। तो कॉमर्स लोग ज्यादा से होते हैं तो जिससे भी हो आप कर देना। 10+2 का ईयर कौन सा था, 2021 करो, लेकिन इतना सारा ईयर वाला कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली मैं बोल रहा था ना 5 साल के पीछे वाला कर सकता है, इतने साल वाले कर सकते हैं। जो रोल नंबर है मार्कशीट में, मार्कशीट आपको तो मिला होगा, उसमें रोल नंबर होगा, रोल नंबर आपको बोलना है, ठीक है। तो रोल और नंबर अलग अलग लिखा जाता है, ठीक है। तो रोल नंबर जो है वो दीजिए, उसके बाद रोल यहाँ पे देना है और यहाँ पे नंबर, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका ये कंपलसरी नहीं मांगा है, ठीक है, है तो दीजिए नहीं तो मत दीजिए, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको अपना खुद का नंबर बोलना पड़ेगा, अल्टरनेट नंबर भी देना पड़ेगा, ये भी कंपलसरी है। आप व्हाट्सएप नंबर है तो यस, नहीं तो नो। व्हाट्सएप नंबर ऑब्वियसली होता है तो व्हाट्सएप नंबर करके यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर आपको देना है, सेम है तो सेम दे दीजिए। वैलिड ईमेल आईडी आपको देना पड़ेगा, ठीक है, आपका जो ईमेल आईडी है वो वैलिड देना पड़ेगा, ताकि कोई का कॉलेज अभी तो फिलहाल ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन अभी क्लास ही हो, जब तक कुछ होता नहीं, ठीक है, तब तक आपको तो ऑनलाइन क्लासेस ही होगा ना सब, तो ईमेल जरूरी है, ईमेल पे लिंक आते हैं क्लासेस के, तो वो चीज होगा, तो आपको ईमेल आईडी वैलिड देना पड़ेगा, आपका ईमेल है कुछ भी। उसके बाद रिव्यू करना,
रिव्यू में क्या है ना, आपको चेक करना है कि आप सारा इन्फॉर्मेशन दिए नहीं, आप एक बार ऐसे करके सब करके आपको चेक करना है, ठीक है। सिक्योरिटी कोड देना है, ठीक है, जो है यहाँ पे देखिए, डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है, डिक्लेरेशन क्लिक करके सबमिट रजिस्ट्रेशन कर देना। सबमिट करने के बाद आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका जीसीसी ये आईडी मिल जाता है, इसको कॉपी करके या फिर कहीं भी रख सकते हो, ठीक है। तो और यहाँ इसके बाद हम लॉग इन कर सकते हैं, यहाँ तक कम्प्लीट हो गया मेरा, उसके बाद हमको लॉग इन करना है। लॉग इन किए, ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ शायद याद नहीं है, अगेन हम भूल चुके हैं, डेट ऑफ बर्थ हम का क्या दिए थे, 3 मार्च 2001, ठीक है, 3 मार्च 2001, ठीक है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन सबमिट कर देते, एडिट का ऑप्शन से पहले आता है, उसके बाद आप एडिट नहीं कर सकते, इसलिए पूरा अच्छे से आप देख लीजिएगा सारा चीज। उसके बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसके बाद अपने आईडी में लॉगिन कर सकते हो, ये आपका लॉग आईडी हो गया, ठीक है। इसमें से आपका रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट है, एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है और डॉक्यूमेंट भी इनकम्प्लीट है, तो कम्प्लीट एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है, आपको कम्प्लीट करना है पूरा, ठीक है। उसके बाद ये सब प्रोसेस आपको देना है, माइनॉरिटी ग्रुप आप है तो है, नहीं तो नहीं, ठीक है। मदर टंग क्या है आपका, हिंदी है, बंगाली है, जो है आपको वो देना है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन लर्नर मतलब आप फैमिली में पूरा अपना फैमिली जनरेशन पहले ऐसे इंसान हो जो कि ये कोर्स कर रहे हो, तो आप यस करना, नहीं तो नो करना, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर स्किल आपको आता है तो यस, नहीं तो नो, ठीक है। आप पहले भी अगर सीयू में रजिस्ट्रेशन मतलब होता है ना कि एक जन पहले कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने पढ़ा है लेकिन एक साल छोड़ दिया, फिर से गोयनका में एडमिशन ले रहा है, वो चीज है तो आपको करना है, नहीं तो नो करना, ठीक है। स्पोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, यस, नहीं तो नो। उसका फादर्स नेम देना, ठीक है, फादर्स का नेम जो भी है, फादर ऑफ क्वालिफिकेशन क्या है, टेंथ है, टेंथ से कम है, जो भी है वो पूछ के आपने कर देना। फादर ऑफ क्वालिफिकेशन क्या है, बिजनेस है, बिजनेस है, जो भी है तो वो दे देना, ठीक है। वही सेम मदर नेम भी कंपलसरी है, मदर नेम दे देना, ठीक है। मदर ऑफ क्वालिफिकेशन क्या है वो दे देना, 10 से 10 कम होते हैं, मेरा तो यही है, तो आप लोग अगर है जिसका जैसा है वैसा दे। होम मेकर है तो होम मेकर, नहीं तो अगर कोई बिजनेस या जॉब करते हैं तो जॉब पे दे देना, ठीक है। गार्जियन डिटेल्स सेम है, और मतलब गार्जियन आपका कौन है, फादर है, मतलब फादर है तो यहाँ पे क्लिक करने से क्या होगा ना, फादर का डिटेल्स आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, मदर है गार्जियन तो मदर का होगा, ठीक है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है, कि आपका घर के पास नियरेस्ट रेलवे स्टेशन क्या है, सपोज करिए सियालदह नियरेस्ट है, इसलिए अलग पे दे देना। नंबर ऑफ फैमिली सेलेक्ट, मेंबर फैमिली मेंबर, फैमिली मेंबर कितने हैं तो कितने देने हैं, ठीक है। सेव गार्जियन डिटेल्स, सेव हो गया। अब क्लास 10 डिटेल्स सेव करना, क्लास 10 का बोर्ड नेम क्या है, ठीक है, WBBSC बोर्ड नेम था मेरा। अब इसमें क्या है ना, टॉप 4 सब्जेक्ट ले रहा है, टॉप 4 सब्जेक्ट में 10 का भी ले रहा है, ठीक है। 10 का आपको मार्कशीट निकालना है जिसमें टॉप 4 में मार्क्स आया उसमें लिखना। सपोज करिए फिजिक्स, फिजिक्स में आया 97, लाइफ साइंस टॉप 4 आपको लेना है, 7-8 सब्जेक्ट होते हैं उसका मार्क्स लेना है आपको, ठीक है। मैथ्स, और सब्जेक्ट में आ गया आपका 4 सब्जेक्ट में भी हिस्ट्री 90, ठीक है। क्लास 10 का टॉप 4 में आपका 95% आया, वही क्लास 12 का डिटेल्स यही है, क्लास 12 का इंस्टीट्यूशन नेम बोल रहा है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन नेम जो कॉलेज मतलब जो स्कूल से आप क्लास 12 दिए उसका नाम लिखो, उसका एड्रेस है तो वो लिख दो, समथिंग जो हम जस्ट एग्जांपल एड्रेस लिख रहे हैं आपको लिखना है।
ठीक है, इंस्टीट्यूशन का सिटी कौन सा है? कोलकाता। जो आपका इंस्टीट्यूशन अगर कहीं और से पढ़े तो वो दीजिए। हम लोग, मैं तो डिस्ट्रिक्ट भी कोलकाता है, स्टेट है वेस्ट बंगाल, WB। आप वेस्ट बंगाल फुल फॉर्म भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंस्टीट्यूशन का पिन क्या है? इंस्टीट्यूशन का ना अलग ही पिन होता है, मतलब हर इंस्टीट्यूशन का नहीं, अपना कोड होता है, ठीक है। वो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या फिर आपका ये, अगर आप नेट में सर्च करोगे ना कि इस पर्टिकुलर स्कूल का क्या पिन है, तो वो पिन मिल जाएगा, तो 4 या 5 लेटर का होता है। इंस्ट्रक्शन कौन सा मीडियम से पढ़े? बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, अदर, तो क्या, ठीक है। अगर आप 10+2 पास किए नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से, जो कि अप्रूव बाय डिस्टेंस काउंसिल ऑफ इंडिया और UGC है, यस नहीं तो नो, ठीक है। हैव यू स्टडी ENVS एटलीस्ट 100 मार्क्स ऑफ पेपर एज एन कम। अगर आप ENVS पढ़े हो, मतलब कंपलसरी सब्जेक्ट एज अ, ऑप्शनल नहीं, कंपलसरी सब्जेक्ट एज अ पढ़े हो, यस करना, नहीं तो नो, ठीक है। प्लीज सेलेक्ट सब्जेक्ट नेम फ्रॉम द ड्रॉप, इफ नॉट फ्रॉम क्लिक हियर, प्लीज एंटर द मार्क्स ऑफ कंपलसरी सब्जेक्ट इन 7, प्लीज एंटर द मार्क्स। उसके बाद मुझे ना यहाँ पे पूरा सब्जेक्ट का मार्क्स लिखना पड़ रहा है, ठीक है, मीन्स टोटल 6 सब्जेक्ट का आपको मार्क्स लिखना है। उसके बाद ये अपने आप बेस्ट ऑफ 4 कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, आपको बोलना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप कर लेगा। जैसे कि सबसे पहले आपको बेस्ट ऑफ 4 लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश हो गया। इसमें इसका मार्क्स थ्योरी प्रैक्टिकल अलग है। थ्योरी का आपका मार्क्स होता है 80 होता है, और प्रैक्टिकल का होता है 20, ठीक है, टोटल 100 मार्क्स का होता है। यही चीज सिमिलर सब में होगा, पहले वो चीज कर लेते हैं। ये चीज मतलब आपको टोटल करना है। साइंस वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उसका 70-30 होता है कुछ कुछ सब्जेक्ट में, तो वैसे कर सकते हो, वैसे जैसा रिपोर्ट में है वैसा आपको लिखना है, ठीक है। ऐसे कर दिए, उसके थ्योरी में कितना मार्क्स मिला है, पहले सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते। इंग्लिश हुआ, उसके बाद अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी है, ठीक है, बिजनेस स्टडीज, चलिए बंगाली सेकंड सेकंड लैंग्वेज होता है, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स हो गया, और एक और कोई भी जो कॉमर्स रिलेटेड है वो दे देते हैं। कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन, ठीक है। उसके बाद थ्योरी में कितना पास मार्क्स कितना है? नॉर्मली 40 मार्क्स पास है जहां तक पता है, नहीं तो शायद 30 मार्क्स भी पास है। तो आपके आपका जो मतलब बोर्ड में जो पासिंग मार्क्स है वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन लिखना है, ठीक है। पास मार्क्स 40, मतलब 30 मार्क्स पास है, ठीक है। थ्योरी में, मीन्स थ्योरी में तो आपका 80 मार्क्स का है, तो 30% 24 हुआ, इसका 6 हुआ, ठीक है, 24 6। CBSE का में भी अगर जो पासिंग मार्क्स होगा वो आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे प्रैक्टिकल का अलग, थ्योरी का अलग, 24 6, ठीक है। उसके बाद मार्क्स ऑप्टेन आपको अलग लिखना है, ठीक है। आपका मार्क्स ऑप्टेन कैसे हुआ? थ्योरी में मान लीजिए किसी को 60 मिला है, और प्रैक्टिकल में 20 में 20 मिला है, इसमें 56 मिला है, इसको इसमें 19 मिला है, इसमें 60 मिला है, इसमें 20 मिला है, इसमें 80 में 80 मिला है, इसमें 19 मिला है, ऐसे करके जो आपका है वही देना है, ठीक है। 79 20 80 18, ठीक है। तो पूरा आपको देना है मार्क्स, ठीक है। अगर इसमें से बहुत सारा सब्जेक्ट दिया, कोई सब्जेक्ट अगर आपको नहीं मिलता है तो यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके अपने आप लिखना है, अगर ENVS आपका है तो यहाँ पे मार्क्स देना, ठीक है। उसके बाद आपको कैलकुलेट पे क्लिक कर देंगे ना,
अगर यहाँ पे हम हटा देते हैं इंग्लिश, एक सेकेंड, थोड़ा सा जस्ट प्रॉब्लम है। इज हिंदी योर लैंग्वेज सब्जेक्ट बोल रहा है। दोज हु डू नॉट हैव सेपरेट थ्योरी में एंटर द मार्क्स थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल इन द थ्योरी कॉलम ओनली। ठीक है, थ्योरी कॉलम ओनली। किसी किसी का ये भी बोला, किसी किसी का अगर थ्योरी प्रैक्टिकल में डिवीजन आपको नहीं मालूम तो डायरेक्टली फुल मार्क्स से लिखना 100। ठीक है, और पास मार्क्स जो है यहाँ पे वैसे करके लिखना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है बेस्ट ऑफ फोर निकालने में। जैसे कि कैलकुलेटर पे क्लिक किया जा रहा है कि इज हिंदी योर लैंग्वेज सब्जेक्ट। यस, हिंदी है तो लैंग्वेज सब्जेक्ट तो है, 6 ही सब्जेक्ट होते हैं। डिटेल मीन्स की हिंदी को थोड़ा अगर हम ऑप्शनल रखें, जैसे कि इसमें इकोनॉमिक्स कर लेते हैं एक बार। इसमें कॉस्टिंग टैक्सेशन के लिए, इसमें अगर हम हिंदी अगर हम पढ़ते हैं देन अगर क्लिक किया जाए। अच्छा, इस लैंग्वेज, अच्छे सॉरी, यहाँ पे यस करना था। सॉरी, आपको जैसे भी करना, यहाँ पे इस लैंग्वेज है तो यस करना है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन था तब आपको कैलकुलेट करना है। तो आपका बेस्ट ऑफ फोर ये लो अपने से निकालेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको कहीं बेस्ट ऑफ फोर निकालने का जरूरत नहीं, आपको यही मार्क्स पता चल जाए आपका टोटल बेस्ट ऑफ फोर क्या है निकल रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको सेव कर देना है। सेव हो गया, ऑलमोस्ट सेव हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको स्ट्रीम सिलेक्ट करना है, कौन सा स्ट्रीम में देना है एडमिशन, बीकॉम ऑनर्स सेलेक्ट करो, अकाउंटिंग फाइनेंस यही है। टोटल आपका मेरिट मार्क्स इतना है, एफेक्टिव ग्रेड आपका इतना है। ठीक है, हम आपको इसमें एईसी में 3 एग्जाम है। फर्स्ट सेमेस्टर में ना एग्जाम होता है बंगाली का, इंग्लिश का और हिंदी का, एक कंपलसरी एग्जाम होता है। तो आपको अपना हिसाब से मीडियम सेलेक्ट करना, आप इंग्लिश में देना चाहते हैं या बंगाली या हिंदी। ठीक है, तो इंग्लिश करते हैं। ठीक है, अप्लाइड कर दिए, कंफर्म करना है, उसके बाद सेव एंड प्रोसीड करना है। यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे बता दे रहा, अगर आप सेव करके प्रोसीड करते हो तो आप बाद में मॉडिफाई नहीं कर सकते हो या फिर सब्जेक्ट डिलीट नहीं कर सकते हो, तो प्रोसीड करना। तो प्रोसीड एक बार और चेक कर लेते हैं, कुछ मिस तो नहीं है। ठीक है, डन, सेव एंड प्रोसीड। ये सारा चीज हो गया, उसके बाद मुझे एड्रेस देना है। एड्रेस जो है वो दीजिए, पुलिस पोस्ट ऑफिस देना है, जो भी पोस्ट ऑफिस एक्चुअल में अपना एरिया का देना है आपको, पुलिस स्टेशन आपको एरिया का देना है, लोकेलिटी अर्बन सेमी अर्बन रूरल है तो वो देना है। ठीक है, अर्बन एरिया सिटी कोलकाता, अगेन डिस्ट्रिक्ट कोलकाता, स्टेट वेस्ट बंगाल, कंट्री इंडिया, पिन कोड देना है। ठीक है, लोकल एड्रेस वेड्रेस सेम आपको देना है, तो सेम यहाँ पे क्लिक कर दें तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट इन्फो मोबाइल नंबर और सब दिया, एक बार चेक करके सेव कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको कर देना है। सेव हो जाता है हर चीज़, तो फिर सिक्योरिटी चेक आता है आपका 497397। क्लिक करके डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है, उसके बाद कंप्लीट एप्लीकेशन आपको क्लिक कर देना। ठीक है, ये हो गया, ऑलमोस्ट कंप्लीट है एप्लीकेशन। अब डॉक्यूमेंट फाइनली अपलोड करना है। ठीक है, आपको फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, मार्कशीट है, 12th का मार्कशीट है। ठीक है, और एज प्रूफ सर्टिफिकेट है, मीन्स की आधार कार्ड, डेट ऑफ या फिर एडमिट कार्ड आप दे सकते। जैसे फोटोग्राफ मैंने दिया, जेपीजी में चाहिए आपको, पचास के भी से कम होना चाहिए। अच्छा ठीक है, ये हो गया। सिग्नेचर देना है मुझे,
50 KV से कम होना चाहिए। ठीक है, तो मैं कोई भी एक चीज़ ले लेता हूँ। ऐसे करके कि आपको सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ठीक है, तो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको भी करना है, बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है। सेशन एक्सपायर बोल रहा है। ठीक है, फिर से लॉगिन कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को स्टूडेंट आईडी मालूम है, डेट ऑफ बर्थ मुझे 3 मार्च 2001 का, 3 मार्च 2001। कोई बात नहीं, फिर से अपलोड कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है। देरी करते हैं तो थोड़ा सा फिर से करना पड़ता है। ठीक है, 8568 47। ठीक है, लॉगिन करते हैं, 8568 47। 2001 से मैं 2003। ठीक है, हो गया, अपलोड डॉक्यूमेंट करना है। ठीक है, मेरे को ये हो गया था, सिग्नेचर करना है, सिग्नेचर। सिग्नेचर हो गया, 10 का मार्कशीट देना है, जेपीजी फाइल। इसी तरह आप, अब मैं नॉर्मली एक एग्जांपल में जो है मिल रहा है मैं डाल दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपको वही देना है जो चाहिए। उसके बाद आपको एज प्रूफ सर्टिफिकेट देना है। ठीक है, मैं फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, एक मिनट वेट कर लीजिए थोड़ा सा। ऑलमोस्ट आपको हर एक कॉलेज का मिल जाएगा आज, बस वेट करना, फिर से लॉगिन एक्सपायर बता रहा है। ठीक है, फिर से कर लेते हैं, याद है। फाइनली ये इसी में हो जाएगा, आप कुछ नहीं चाहिए, बोल रहा हूँ, बस हो जाएगा अपलोड डॉक्यूमेंट, बस एज प्रूफ सर्टिफिकेट बाकी था। ठीक है, हो गया डिक्लेरेशन, इसके बाद क्लिक करके आपको अपलोड पे क्लिक कर दें। ठीक है, ये सारे अपने अपलोड किए थे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मेरा एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका है, फिर भी एक बार और आपको लॉगिन करके मैं दिखा दे रहा हूँ कि ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसी तरह आपको भी करना है सारा एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, मैं देख लीजिए तीनों में कंप्लीट है। ठीक है, मान लीजिए आप डॉक्यूमेंट कोई गलत डाल दिए तो चेंज डॉक्यूमेंट आप क्लिक कर सकते हो तब तक जब तक कि फाइनल नहीं है, क्योंकि और यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल स्कैन डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड आर एलिजिबल एंड नॉट टेम्पर। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट अपलोडिंग इलिजिबल रॉन्ग इन अपडेट डॉक्यूमेंट विल लीड टू रिजेक्शन ऑफ माई एप्लीकेशन, एडमिशन मे बी डिक्लाइन। आई हियर बाय डिक्लेयर ऑल डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट फोटो सिग्नेचर आर सेल्फ अटेस्टेड। मतलब ये डॉक्यूमेंट सही है, आपको खुद से डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, उसके बाद आप अपलोड पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन कंप्लीटेड दिखा दिया, बस ये आपका फोन नंबर है, यहाँ पे आपका मार्क्स है, सब चीज। आप बस मेरिट लिस्ट का वेट करिए, यही सेम आपको प्रोफाइल में जाके आपको यहाँ पे आपको हर एक इन्फॉर्मेशन बार बार आप चेक कर सकते हो। ठीक है, यही तरह था वीडियो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब डेफिनेटली करना, और वीडियो आ रहा है हर कॉलेज का आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से आप एप्लीकेशन आप प्रिंट भी कर सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करिए।
तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, सब कुछ आप यहाँ पे प्रिंट कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट फॉर्म, डाउनलोड फॉर्म, प्रिंट फॉर्म सब कर लो, ठीक है। थैंक यू सो मच।